स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस सीक्वेंस में, जहां पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। उसके साथ साथ अगर मार्केट के क्लोज होने के साथ हम जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं उसमें भी अगर हमने कोई पोजिशन बनाई है तो उसका भी रेशनल टारगेट और स्टॉप लॉस समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है, वॉलेटिलिटी कितनी यहाँ से बढ़ सकती है, कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है जिसको आपको मॉनिटर करना चाहिए अगर आपको भापना है कि यहाँ से आगे मार्केट का क्या मूव रहेगा, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो से इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में इस सिस्टम के बारे में समझना है, इस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें आप जाके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्या होती है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि दोस्तों ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कौन सी एक ब्रॉड रेंज आपको बनती दिख रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट लेवल उभर के आते हैं, और इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ब्रॉड मार्केट में कहाँ पे मैक्सिमम एक्शन हो रहा है, मतलब कहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जमा हुआ ऑलरेडी बना हुआ है, और कहाँ पे प्राइस का मैक्सिमम इंपैक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ों को कंसीडर करके मैंने एक डिटेल कैलकुलेशन किया है, और उससे हम क्या करते हैं एक ब्रॉड ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालते हैं। तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो होती है वो जितनी बड़ी होती है तो ये सजेस्ट करता है कि स्पॉट प्राइस से ऊपर या नीचे कहीं पे भी आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसी के कारण जो मैक्सिमम वॉल्यूम या मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ या एग्जैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट जमा हो रहा है वो ऊपर या नीचे की तरफ आपको बनता दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी बेसिकली ये दर्शाता है, इंडिकेटिव वॉलेटिलिटी या एग्जैक्ट लेवल आप नहीं इसको कंसिडर कर सकते, लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहता है स्पेशली जो कॉल और पुट में सेलिंग करते हैं। और अभी मैं कॉल और पुट में हेजिंग के साथ स्ट्रेटेजी में कैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो वाली बेनिफिट समझ के एक पोजीशन ले उसके बारे में मैं आपको अब लाइव मार्केट में कैसे इसको एक्चुअली यूज़ करें वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो है वो मार्केट की मार्केट के कौन से ब्रॉड लेवल्स हैं जहाँ पे एक्शन होने के चांसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सिंपल कैलकुलेशन यूज़ करके बनाते हैं, और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बारे में आपको वीडियोस भी बना के उसका कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और की स्ट्राइक प्राइसेस को जानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहरहाल फिलहाल के लिए जो निफ्टी में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है वो है 10,000 से लेके 11,100। तो ब्रॉडली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो स्ट्राइक प्राइसेस से 650-450 पॉइंट की इंडिकेटिव वॉलेटिलिटी ऊपर और नीचे की तरफ देखने को मिल रही, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये हमें पता चल गई कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर आपको पता है कि वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी, कितने पॉइंट्स रहेगी, तो उससे आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज यूज़ करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और उसको समझने के लिए आपको मेरा ऑप्शन स्ट्रेटजी को कैसे कब इम्प्लीमेंट करें, कब कौन सी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करें, कैसे टेक्निकल चार्ट्स पे आप ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें कि कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए, उसके साथ साथ ऑप्शन चार्ट डेटा को उसके साथ जोड़ के आप कैसे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, वो सारे वीडियोस भी मैंने आपको बना के दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। दूसरा, ऑप्शन डेटा का एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंस अज्यूम करता है। तो अगर आप कॉल डाटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रॉडली जो नीचे के लेवल्स हैं वहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। जब आप कॉल खरीदते हैं तो आप बुलिश मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप कॉल राइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस या उससे नीचे का मार्केट आप बनता देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पे हुआ है, तो वो लेवल दिख रहा है यहाँ पे 10,400। अब दोस्तों फिलहाल जो मार्केट है वो 10,454 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 10,400 के आसपास अगर आपको काफ़ी सारी कॉल राइटिंग जमा हुई दिखती है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 10,400 या उससे नीचे ट्रेड करेगा। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट दिन में भी 10,400 में कॉल राइटिंग बरकरार रहनी दिखनी चाहिए। कॉल राइटिंग के सामने अगर आपको पुट में फ्रेश बाइंग दिखती है
तो ये भी एक अच्छा कंफर्मेशन माना जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा उसका संकेत को कंफर्म करने के लिए। तो ब्रॉडली ऑप्शन चार्ट डाटा सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉल राइटिंग रहेगी, तो स्टेबल टू बेयरिश मार्केट यहाँ से देखने की उम्मीद कॉल पार्टिसिपेंट्स की है। अगर आप पुट का डाटा एनालाइज करोगे तो पुट में आपको दिखेगा कि पुट में हायर लेवल, जिसका मतलब है 10,450 से 11,100 का लेवल जो है, वहाँ पे आपको अच्छी खासी पुट शॉर्ट कवरिंग होती दिखी है। तो जब आप पुट शॉर्ट करते हैं तब आप एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबल टू बुलिश मार्केट, लेकिन जब आप पुट शॉर्ट कवर करते हैं तो आप बेयरिश मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं। स्टेबल भी नहीं, बेयरिश मार्केट ही आप एक्सपेक्ट इसमें करते हैं, क्योंकि जब पुट शॉर्ट करते हैं तो मार्केट उधर का उधर, जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपने पुट शॉर्ट किया है तो मार्केट उस लेवल पे भी रहता है तो भी आपको मुनाफा होगा। लेकिन जब आप अपनी वो पोजीशन कवर कर लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ कॉल राइटिंग और साथ में पुट शॉर्ट कवरिंग सजेस्ट कर रही है कि यहाँ से आपको हलचल देखने को मिल सकती है, और मोस्टली वो हलचल जो है वो नीचे की साइड पे रहने की उम्मीद है। फर्दर आप नीचे के लेवल पे देखेंगे 10,000 से लेकर 10,400 में, तो यहाँ पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है, तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो व्यू है वो यहाँ से स्टेबल टू नेगेटिव काइंड का बनता दिख रहा है। तो ये था दोस्तों थोड़ा डिटेल में एनालिसिस ऑफ ऑप्शन डाटा, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के बारे में। अब हम वापस आएंगे और हम इस एनालिसिस को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे एनालाइज करके कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेजेस और अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसमें भी हम फिबोनाची नंबर्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मंथली चार्ट। तो दोस्तों मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि जब भी मार्केट में बेरिश क्रॉसओवर बनता है और उस बेरिश क्रॉसओवर के साथ साथ उस मंथ के शुरुआत में अगर आपको अच्छी खासी फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती हुई देखने को मिलती है, तो होता क्या है कि मार्केट नीचे आता है और एक बार अपनी 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट ज़रूर करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर बना, 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल एवरेज टेस्ट हुई। फर्दर थोड़ा पीछे जाके अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉसओवर बना और आपको 21 डेज़ की और फाइनली 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल एवरेज टेस्ट होती दिखी। तो फर्स्ट जो लॉजिकल टारगेट यहाँ पे बनता निकल के आता है वो है 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दोस्तों जो आप चार्ट देख रहे हैं वो मंथली चार्ट है, तो हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो मूवमेंट आपको मिली है बेरिश क्रॉसओवर बनने के बाद, तो ये इतने मंथ, मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडल्स है उतने मंथ गुजर जाने के बाद आपको ये मूवमेंट बनती देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखते हैं बेरिश क्रॉसओवर बना, एक दो मतलब दो महीने के आसपास आपको 13 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज का टेस्ट होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस ही दिन बेरिश क्रॉसओवर बना उसी दिन आपको एक्सपोनेंशियल एवरेज का टेस्ट होता हुआ देखने को मिला। लेकिन आप देख सकते हैं कि थर्ड मंथ में भी आपको बेरिश क्रॉसओवर का टेस्ट देखने को मिल रहा है। फर्दर अगर हम थोड़ा पीछे जाके इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे आप थोड़ा पीछे चले जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला और सेकेंड मंथ में ही आपको जो 13 डेज़ का टेस्ट है वो देखने को मिल गया। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी बेरिश क्रॉसओवर बना है, जो 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 9947। तो इस महीने या इसके अगले महीने या तो उसका अगला महीना, मतलब ये फरवरी चल रहा है तो मार्च या अप्रैल के महीनों के आसपास आपको मार्केट जो है 9947 के आसपास भी जाता देखने को मिल सकता है अगर ये बेरिश क्रॉसओवर मैच्योर होता है। अब हम ओनली बेरिश क्रॉसओवर को ही टेस्ट नहीं करके देखते, लेकिन उसके साथ साथ व्यूज़ को कंफर्म करने के लिए हम दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सहारा लेते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं जब भी CCI अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो आपको ये पर्पल लाइन दिख रही है, उसको ब्रेक करता है तो जो डाउन मूव है वो काफ़ी एविडेंट हो जाता है। लेकिन फिलहाल के तौर पे आपको दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती हम इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत सुरक्षित रहेगा और स्टेबल टू बेरिश मूव आप इसमें हल्का सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आप RSI को देखोगे तो RSI जब तक 50 का लेवल होल्ड कर रहा है, अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज का लेवल होल्ड कर रहा है, वो संकेत है कि यहाँ से मार्केट स्टेबल या बुलिश रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने तीन बार, एक दो और तीन बार अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज का टेस्ट लिया है, चौथी बार इसका टेस्ट हो रहा है। तो अगर इस बार इसको ये टेस्ट में कामयाब नहीं रहा और अगर इसको नीचे की तरफ का ब्रेक देखने को मिला तो आपको यहाँ से भी अग्रेसिव डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं। MACD में हम दो MACD यूज़ करते हैं, 583 और 1321.8। तो अगर आप इसको एनालाइज है तो आपको दिख जाएगा कि जो MACD है वो एक स्टेबल मूव बना रहे, लेकिन यहाँ से अगर आप
उसको प्राइस में देखेंगे तो प्राइस में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को मिला, तो जिसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हल्का फुल्का जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आता है तो एक बार के लिए नीचे का मुंह आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी बेरिश क्रॉस ओवर बनता दिख रहा है, जो सजेस्ट रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। फर्दर आप थोड़ा सा रिलेटिवली लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो अपने कंफर्म रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिलेटिवली जो है आपको जो दो टॉप्स हैं वो सेकंड टॉप्स नीचे की तरफ दिख रही है, लेकिन अगर आप यहाँ से प्राइस को ट्रैक करेंगे तो आपको देख सकता है कि यहाँ से प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का इशारा कर रहा है। यहाँ से प्राइस मैकडी नीचे की तरफ जा रही है, प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको थोड़ा बहुत मार्केट में कॉशियस रह जाना चाहिए। अगर आपने काफ़ी ह्यूज क्वान्टिटी में पोजिशन बाय करी है तो या तो आप उसको हैच कर लें या तो थोड़ा बहुत लाइट हो जाए, क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि मार्केट 9947 और अगर वर्ष के सिनारियो रहा तो 9538 भी अगले महीने या उसके अगले महीने तक आपको जाता देख सकता है। तो ये था मंथली चार्ट, अब आप देख लेते हैं वीकली चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जब भी मार्केट बुलिश जोन में ट्रेड करता है, बुलिश जोन क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, तब मार्केट जब भी नीचे की तरफ आता है तो 21 डेज़ की 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट बन के रहती है, और वो जब तक ब्रेक नहीं होती मार्केट आप सुरक्षित देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट 13 डेज़ के एक्सपोनेंशियल से ही ऊपर चला गया, यहाँ से अगेन ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि एक बार उसने 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करी, दूसरी बार आप देख सकते हैं बिल्कुल दो वीक में लगातार उसने अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट किया, फाइनली मार्केट ने एक ब्रेक लिया लेकिन वो ब्रेक सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ पे आप बेरिश क्रॉसओवर हल्का सा डाइवर्जेंस इसमें बनता देख सकते हैं। एक बार मार्केट अपनी 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट कर चुका है, यहाँ से अगर डाउन मूव आता है और इस वीक में आपको 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज होता दिखता है तो डेफिनेटली मंथली चार्ट आप वैलिडेट करें और आपको यहां से डाउन मूव जो कि मैंने आपको बताए वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करें, लेवल्स ध्यान में रखें, 10,405 एक कुशल और इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस वीक में मार्केट उस लेवल से नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली आप बड़े डाउन मूव की आशा रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CCI में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और ये नेगेटिव जोन की तरफ बढ़ रहा है। RSI आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक कर चुका है, अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको भी वो ब्रेक करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। फर्दर जो रिलेटिवली शॉर्टर टर्म MACD है उसमें आपको बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी बनता दिख रहा है, अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करता दिख रहा है, और जो रिलेटिवली लॉन्ग टर्म MACD है उसमें भी आपको स्टॉलिंग होती दिख रही है, ऊपर केवल भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा रुकता दिख रहा है। तो ये था वीकली चार्ट, अब हम आते हैं डेली चार्ट के आसपास और देखेंगे कि डेली चार्ट को कैसे कंफर्म करें और उसमें क्या मूव यहाँ से बनता दिख सकता है। तो दोस्तों मंथली चार्ट मैंने आपको दिखा दिया कि मंथली चार्ट में काफ़ी नीचे की तरफ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो वीकली चार्ट भी हमने देखा 10,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस वीक मार्केट उस लेवल से नीचे क्लोज होता है तो आप एक डाउन मूव डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट के साथ साथ हमें डेली चार्ट भी देखना पड़ेगा ताकि इमीडिएट मार्केट में क्या मोमेंटम बन सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब भी बेरिश क्रॉस ओवर लिया है मार्केट नीचे की तरफ जाता है, अपनी 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है और वापस ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार और यहाँ पे चार बार ऐसा आपको होते हुए देखने को मिला है, लेकिन जब भी मार्केट इस लेवल पर आता है तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है और अपनी जो फिर इमीडिएट 55 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके अपनी ऊपर की तरफ की जर्नी को कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा बहुत पैटर्न में आपको चेंज होता दिख रहा है, मार्केट में ब्रेक देखने को मिला आफ्टर बेरिश क्रॉसओवर और उसने 89 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ा लेकिन 55 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मार्केट थोड़ा बहुत रुका और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा गैप डाउन आपको देखने को मिला और फाइनली जो अब है मार्केट हल्का सा अपनी 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ दिख रहा है। सारी आप एवरेजेस देखेंगे तो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करती दिख रही है, तो ये जो लेवल है ये पर्टिकुलर लेवल जो 10,722 से लेकर 10,642 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको बनता दिखेगा और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। फर्दर अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कैंडल्स का जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा है
तो 10,530 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है वो आपको पुल्स की ओर ढलता दिख जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट पर्टिकुलर लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, मतलब ब्रॉड जो लेवल्स हैं जो कि 89 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 55 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 10,586 और 10,454 है, तो 10,580 और 10,450 आप ब्रॉडली इसको पकड़ के देखें, तो जब तक इस रेंज में मार्केट बना हुआ है कुछ भी हो सकता है और मार्केट कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ऑलरेडी डाउन आपको चार्ट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से हल्का फुल्का आपको ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन गलती ना करें, ये डेड कैट बाउंस हो सकता है जब तक मार्केट अपने क्रूशल लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता। तो इमिडिएटली मेरा ये मानना है कि आपको 10,530 के लेवल को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब तक मार्केट उसके आसपास ट्रेड नहीं करता, उसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक लॉन्ग पोजीशन को आपको डेफिनेटली अवॉइड ही करना चाहिए। दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के लिए। थोड़ा डिटेल में सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करी थी कि इसको समझाइएगा, तो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। फर्दर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ब्रॉडली एनालिसिस सेम रहेगा, लेकिन जो सेंटिमेंट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के बारे में बात करें तो 24,000 से लेके 26,500 तक की ब्रॉड ऑप्शन एक्टिविटी रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1000 पॉइंट अपसाइड एंड 1500 पॉइंट्स ऑन डाउन साइड, तो ब्रॉडली 1200-1300 पॉइंट की वॉल्टिलिटी, इंडिकेटिव वॉल्टिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। कॉल डाटा का एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, स्पेशली 25,200 पे काफ़ी स्ट्रांगली सेंटिमेंट के साथ कॉल राइटिंग हुई है। उसके अलावा जो मेजर कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है 25,500 के लेवल पे, तो मार्केट 25,463 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2500 के आसपास कॉल राइटिंग का मतलब है कि 89 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 25,597 के आसपास है, वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगी और उसके ऊपर मार्केट को क्लोज होने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आप पुट का डाटा देखोगे दोस्तों, तो पुट में आपको अच्छी खासी बेयरिश पोजीशन नीचे के लेवल पे देखने को मिलेगी, मतलब 24,000 से लेकर 25,600 में आपको फ्रेश बेयरिश पोजीशन देखने को मिल रही है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो काफ़ी डाउन 24,000 तक का भी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडल रेंज पकड़े तो 24,800 तक का लेवल जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 24,600 तक के लेवल के आसपास सपोर्ट है, तो ब्रॉडली अगर ये डाउन मूव एक्सेलरेट होता है तो 24,600 एक लेवल आपके लिए बन सकता है। ऊपर के लेवल पे जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी में 25,600 से लेकर 26,500 में अगेन पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा काफ़ी हलचल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टेबल मार्केट यहाँ से नहीं रहेगा और वॉल्टिलिटी काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मंथली चार्ट का एनालिसिस एक बार कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलरेडी बेयरिश क्रॉसओवर में डाइवर्जेंस बनता दिख रहा है। आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर बनता है मार्केट अपनी 34 डेज की एक्सपोनेंशियल एज को टेस्ट कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बनता है वो बनता है 24,050 तक का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो CCI है वो बुलिश जोन में ट्रेड कर रही है, तो उसको ब्रेक होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे कोई हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन जो MACD है उसमें स्टेबल मूव आपको बनता दिख रहा है। तो अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंस इसमें बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट में, तो अच्छी खासी डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक बार वीकली चार्ट में लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने निफ्टी में एनालाइज किया, 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट साबित हुई है। उसके नीचे वीकली में मार्केट कभी भी रिसेंट पास्ट में क्लोज नहीं हुआ, तो इस पर्टिकुलर लेवल का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो 25,450 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इस वीक में अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से 25,450 से नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली एक डाउन मूव में बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, जो ले जा सकता है मार्केट को 24,800 जो कि है 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। ऑलरेडी बेयरिश क्रॉस ओवर आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत आपको स्टेगनेंसी भी लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज में देखने को मिल रही है, तो यहाँ से काफ़ी संभल के ट्रेड करना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन में लाइट रहना चाहिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता। और डेली चार्ट हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो में हमने
जो भी डिस्कस किया, जो भी हमने एनालिसिस किया, वो काफ़ी लॉजिकल रहा होगा। हम ऑप्शन चार्ट डेटा देखते हैं, उसमें जो पोजीशन बनती है उसको एनालाइज करते हैं, कैंडलस्टिक देखते हैं, मूविंग एवरेज देखते हैं, फिबोनाची टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं और मंथली से बैक हमने आके डेली चार्ट का एनालिसिस समझने की कोशिश करी है। वीकली चार्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करे हैं। तो अगर आप रिलेटिवली मीडियम टर्म के लिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन को जानना चाहते हैं तो उस लेवल को मॉनिटर करिए। उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो लॉन्ग मूव बनने के चांसेस हैं, लेकिन अगर उससे नीचे क्लोज होता है तो मोस्ट लाइकली, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में एक एक्सीलरेटेड डाउन मूव बनने को दिखता है, क्योंकि मार्केट अपनी जो प्रीवियस पैटर्न है उसको वायोलेट करता आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को डेली अपने इनबॉक्स में आना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे रिसेंटली एक ग्रुप बनाया जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें जाकर ज़रूर मेरे इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, जो फ्री है बिल्कुल। मैं आपको डेली उसमें मैं जो जो वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक दे दूंगा। उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ टाइमली बेसिस पे शेयर कर दूंगा। कभी कभी मैं अपने काफ़ी प्रीमियम स्टॉक जो है, मैं जैसे कि मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का रिपोर्ट है, इक्विटी में मेरा अगर कोई स्विंग ट्रेड का आउट हो गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रीमियम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप 9574399901 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, मार्केट में अगर आप स्टॉक आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी रिस्क है, काफ़ी जोखिम भरा ये रहता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही इसमें काम करें। और दूसरा, ये प्योरली स्पेकुलेशन है, इसमें आप गैम्बल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना, तो ही आप इसमें ट्रेडिंग करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक्चुअल पोजीशन नहीं है, क्योंकि जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो एक हैजिंग टूल है, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करने के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास अंडरलाइन कुछ नहीं है और आप प्योरली स्पेकुलेशन के लिए ट्रेड करते हैं, जो कि हम करते हैं, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है, जो सभी के लिए सूटेबल ना भी हो। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा डिस्क्लोज़र। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए दूसरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि हम इसमें और आगे बढ़ पाएँ और नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ रिवील कर पाऊँ। थैंक यू।